चैलेंज। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं राजमा चावल बनाने जा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट राजमा का ब्लॉग है। आगे बने रहिएगा, आप लोग को दिखाएंगे हम क्या क्या उसमें डालते हैं। इसके बाद इसका आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। आगे की प्रोसेस चालू करता हूँ। अब मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और भात के लिए डेगची भी चढ़ा दिए हैं। अब इसमें भात बनाएंगे। अब कढ़ाई देखिए धीप के धीप रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रोसेस है। स्वाद जितना में बन जाएगा उतना हम सरसों तेल डालेंगे। देखिए और थोड़ा दे देते हैं उसके बाद। और इसमें दो ठो मिर्ची डालेंगे। देखिए हम मिर्ची हम तोड़ के देते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे। इसमें थोड़ा तड़का के लिए इसमें जीरा डालेंगे। अब देखिए चटक रहा है जीरा, जीरा चटक रहा है। ये मेरा राजमा उबल के तैयार है। देखिए कितना अच्छा से तैयार है उबल के। और देखिए दो ठो मीडियम साइज का प्याज है, लहसुन का पेस्ट है। हम लोग सिलबट्टे पे ही लहसुन पीसते हैं। मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है इसलिए हम सिलबट्टे पीसते हैं। और ये हल्दी का पाउडर है जो आधा ढक्कन लिए हैं चम्मच। ये धनिया का पाउडर है जो मैंने डेढ़ चम्मच लिए हैं। और ये मिर्ची का पाउडर है जो आधा ढक्कन से चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिए हैं। और काली मिर्च का पाउडर है जो मैंने छोटा चम्मच दो चम्मच छोटा लिए हैं। और ये जीरा का पाउडर जो मैंने अभी भून के तैयार किए हैं। और नमक स्वाद अनुसार देखिए। और ये टमाटर भी देंगे। अब डालते हैं इसमें प्याज। देखिए अब हम इसको चला देते हैं। ब्राउन होने तक भूनेंगे इसको। इसके बाद इसमें डालेंगे मसाला। अब देखिए प्याज अब ब्राउन हो गया है। इसमें अब हम मसाला डालेंगे। मसाला हमने पानी में भिगो लिए थे। चला देंगे। अब थोड़ा सा इसमें नमक लगा हुआ है, इसमें पानी डाल के इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे लहसुन के पेस्ट। देखिए कितना अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें। थोड़ा मीडियम कर देते हैं आँच। इससे क्या होगा कि मसाला अच्छा से भुनाएगा। देखिए भुना रहा है। फर्स्ट बार बनाए हैं, देखिएगा आप लोग को कि मेरा राजमा का सब्जी कैसा लगता है। अब देखिए इसमें उबाल आने लगा है। अब इसमें टमाटर डाल रहे हैं जो इसमें मिक्स हो जाए। इसलिए कि मेरे बच्चे लोग टमाटर नहीं खाता है तो इसमें हम मिक्स कर देते हैं पूरे की, इसलिए कि पूरे गल जाए। इसलिए हम बच्चे के लिए खास करके ये बनाते हैं जो मेरे छोटे बेटा को बहुत पसंद है। ये राजमा हमेशा बोलता है कि मम्मी राजमा चावल बनाओ। तो इसलिए वो लोग तो स्कूल गया है, राजमा चावल बना के रख देंगे। वो लोग स्कूल से आएंगे लेके खा लेंगे। हम तो यहाँ नहीं रहते हैं इसलिए खाना वाना बना के हम चले जाते हैं।
देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, लग रहा है। अब मैं चावल भी चला देता हूँ। देखिए हम लोग कोई महंगा चावल नहीं खाता हूँ, इसलिए कि हम लोग घर के ही चावल खाते हैं, मेरे खेत में होता है, मेरे ससुर जी उपजाते हैं, इसलिए हम घर के ही चावल खाते हैं। देखिए इतना अच्छा मसाला न्यू कलर आ गया है, इतना अच्छा। देखिए अब देखिए मसाला भूनकर तैयार हो गया है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, सुगंध भी बहुत सुंदर आ रहा है। इसलिए कि हम इसमें गरम मसाला नहीं डालते हैं, हम जीरा ही भून के डालते हैं पाउडर बना के अपने से। और आप देखिए इसमें राजमा डालते हैं, इसलिए कि एक मिनट तक इसको भी भूनेंगे कि इसमें मसाला एब्जर्ब हो जाए। देखिए एक मिनट तक भूनेंगे। और टमाटर तो देखिए गल गया है, कहीं पे भी टमाटर नहीं दिख रहा है, देखते हैं टमाटर गल गया है। अब इसलिए कि बच्चा टमाटर नहीं खाता है, जब बच्चा नहीं खाना खाता है हमको भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको खाना खाने के लिए हम लोग मारते भी हैं कि खाना खा ले। अब इसको ढक देंगे। अब देखिए भात में भी उबाल आ गया है, भात भी हो रहा है। अब इसको ढक देते हैं। अब देखिए राजमा में मसाला एब्जर्ब हो गया है, और थोड़ा देर इसको हम भूनेंगे थोड़ा देर, इसमें अच्छी तरह मसाला एब्जर्ब हो जाए। अब इसको हम ढक के पकाएंगे। इसे ढक दिया, अब डालने का समय आ गया है। इसमें पानी देखिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, देखिए इसको। और थोड़ा पानी दे देते हैं जो अच्छी तरह पक जाए। थोड़ा और दे देते हैं। अब इसको ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। थोड़ा बारिश के भी नज़ारा दिखा देते हैं। हम लोग के इधर 10 दिन से बारिश हो रहा है, लगता है धूप नहीं उग रहा है। देखिए फ्रेंड मेरे पास लाइट का व्यवस्था नहीं है, लाइन कट गया तो अब दिख नहीं रहा है। अब इसको हम बंद करते हैं, अब क्या करें। देखिए आपको दिख तो नहीं रहा होगा, तो फिर भी देखिए सब्जी में कितना अच्छा कलर आया है, और टेस्ट भी वाव ऑसम। दिख तो नहीं रहा होगा पर देखिए हमारे तरीके से तो बहुत अच्छा है, वाव ऑसम। बाय फ्रेंड, बाय। आप लोग को राजमा का सब्जी अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कुछ ना कुछ कमी हुआ होगा। इसलिए तो बाय।